नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस नई वीडियो में। वीडियो में किया मोटर्स की तरफ से 7 अगस्त को आने वाले मिचा एसयूवी सोनेट के इंटीरियर्स के बारे में बात करेंगे। जैसा हमने आपको पहले वीडियोस में वादा किया था कि जैसे ही किया सोनेट के ऊपर कोई भी अपडेट हमें मिलेगी, हम वो आप तक जरूर पहुँचा देंगे। तो हमारे साथ आप इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहे, हम किया सोनेट के इंटीरियर्स के बारे में सभी डिटेल्स शेयर कर लेंगे। गाड़ी में वैसे तो बहुत सारे फीचर्स आने वाले हैं। किया सोनेट की टॉप वेरियंट के इंटीरियर्स के कुछ स्पाइसॉस इंटरनेट में स्प्रेड हो रहे हैं, जिसके आधार पे इसके फीचर्स का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। किया सोनेट में फ्लैट बॉटम मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील आएगी और एक सिंगल रेक्टेंगुलर शेप की एनक्लोजर भी दिखाई पड़ रही है फोटोज में, अगर आप देखें, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टास्क स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम को कवर करके रखती है। हालांकि टास्क स्क्रीन के साइज के बारे में कोई डिटेल्स नहीं है, फिर भी ऐसा लगता है कि इसकी एल्डर सिबलिंग्स किया सेल्टोस से इसकी स्क्रीन जो है वो बोरो करके इंस्टॉल किया गया है यहाँ पे। तो उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो वहाँ पे हमें काफ़ी एक अच्छी साइज़ की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगी। अगर किया सेल्टोस वाले सभी फीचर्स भी यहाँ पे इंस्टॉल किए गए तो वो काफ़ी बढ़िया बात रहेगी। किया सोनेट की पूरी इंटीरियर्स की लेआउट को अगर हम देखते हैं तो वो बिल्कुल सेल्टोस जैसी लगती है। हालांकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिल्वर एसेंट भी दिया जा रहा है। अगर अभी वीडियो में दिखाई देने वाले पिक्चर्स को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे किया सोनेट की एसी वेंस को भी वर्टिकली प्लॉट किया गया है, जिसकी वजह से इसकी डिज़ाइन जो है वो काफ़ी अलग लगती है बाकी गाड़ियों के मुकाबले। इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी डिजिटल दिखाई पड़ रही है यहाँ पे। अगर हम इस स्पाय पिक्चर के बारे में बात करें तो यहाँ पे गियर लीवर को देखने से ये बात तो साफ हो गई है कि गाड़ी डीसीडी ऑटोमेटिक वाली वेरियंट है। ब्लैक लेदर सीट्स भी गाड़ी में दिखाई पड़ रही हैं, जो कि देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है। हालाँकि जब 7 अगस्त को गाड़ी पूरी तरह से लॉन्च कर दी जाएगी कंपनी की तरफ, तब इस गाड़ी के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल्स हम अब तक जरूर पहुंचा पाएंगे। किया सोनेट की जीटी लाइन पेट्रोल वेरिएंट की कीमत ही शायद बाकी वेरिएंट्स के मुकाबले ज़्यादा रहेगी। यानी कि हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं किया सोनेट की टॉप वेरियंट रहेगी जीटी लाइन वाली पेट्रोल वेरियंट। एक ही बार में अगर कहना चाहे तो किया सोनेट की इंटीरियर दमदार है। इस विषय में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। किया सोनेट की इंजन्स के सभी डिटेल्स आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे एक वीडियो आपको पॉप आउट होती दिख रही होगी, आप उस वीडियो को क्लिक कीजिए और किया सोनेट की इंजन्स के बारे में सभी डिटेल्स वहाँ पे आपको मिल जाएगी। इस वीडियो में हमने सिर्फ स्पाइसॉस के बेस पे जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो रहे थे हमने उसी के ऊपर बात की है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, अगर आपको किया मोटर्स की ये सोनेट पसंद आई है तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और गाड़ियों से जुड़ी हुई हर बातें हम इस चैनल पर करते रहते हैं आपके साथ मिलकर, तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।